हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू PMR स्मार्ट लर्निंग। और आज मैं आपके लिए क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ मराठी की टेस्ट नंबर 2, जो कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी। पर वीडियो चालू करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं मराठी की टेस्ट नंबर 2। तो टेस्ट नंबर 2 का फर्स्ट पेज कुछ इस प्रकार है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कविते के आधार सूचने अनुसार कृति कला। तो नीचे हमें एक कविता दी गई है, तो इस कविता के आधार पे हमें वो सारे, मतलब ऊपर जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं और अगले पेज पे भी एक क्वेश्चन है, वो हमें कविता के ऊपर से मतलब सॉल्व करने हैं। तो मैं कविता आपको रीड करके बताता हूँ। तो कविता है, श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवण दाटे चोही कड़े शनात येते सरसर शिरवे शनात फिरुनी ऊन पड़े वर्ती भगता इंद्रधनुषा गोफ दुहेरी विनलासे मंगल तोरण काय बांधिले नवो मंडली कुनिभासे झाला सा सूर्यास्त वाट तो सांझ पहा ओ तो उघडे तरु शिखरांवर उंच घरांवर पिवडे पिवडे ऊन पड़े उठती वर्ती जलदान वर्ती अनंत संध्या राग पहा सर्वनभावर होये रेखिले सुंदरतेचे रूप महा बला कमाला उड़ता भासे कल्प समांच्या माळचिते उतरुणी येती अवनी वर्ती ग्रह गोलचित की एक मते फड़फड करुणी भिजले अपुले पंख पाखरे साबरती सुंदर हरिणी हिरव्या कुरुणी निजबाळांस बागडती किल्ला रे ही चरती राणी गोप ही गाणी गात फिरे मंजुड पावा गाय त्याचा श्रावण महिया एक सुरे सुवर्ण चंपक फुलला विपनी रम्य केवळा दरवडला परी जात ही बगता भामा रोष मनीचा मावडला सुंदर पडडी घेऊनी हाती परोपंखटी शुद्धमती सुंदर वाला या फुलमाला रम्य फुले पत्री खुडती देवदर्शना निगती लरना हर्षमायना हृदयात। तो ये है हमारी कविता। इसके आधार पर जो हमें प्रश्न दिए गए वो अब देख लेते हैं। पहला जो है उसको यहाँ पे गलती से थर्ड नंबर दिया गया है शायद। तो यहाँ पे है, खालील कृति पूर्ण करा श्रावण मासाचे वैशिष्टे। तो यहाँ पे हमें तीन जो श्रावण महीने की खासियत है वो लिखनी है। तो ये हमें कविता के आधार पर ही लिखनी है। तो इसके उत्तर कुछ इस प्रकार आएंगे, चोही कड़े हिरवर दाटते, सेकंड बॉक्स में इंद्रधनुषा गोफ तैयार हो तो, और थर्ड बॉक्स में आएगा शनात सरसर पाउस है तो उतर शनात ऊन पड़ती। तो इसके आंसर इस प्रकार है, आप लिख लीजिए, थोड़ी देर में रुक रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आकृति पूर्ण करा। यहाँ पे है, पावसामुळे निसर्गातील बदल। तो इसके आंसर कुछ इस प्रकार होंगे, सर्वत्र हिरवळ पसरते आकाशात इंद्रधनुष्य दिसता तरुशिखरांवर पिवळे ऊन पडते नभावर तोरण बांधल्यासारखे वाटते। तो सेकंड का आंसर ये है, आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे भी थोड़ी देर रुक रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है, खालील ओडीचा सरल अर्थ लिहा, मतलब ये जो लाइन लिखी गई है इसका हमें अर्थ लिखना है, वो भी एकदम सरल। तो लाइन में बढ़ता हुआ ये लाइन है, श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवर दाटे चोही कड़े शनात येते सरसर शिरवे शनात फिरुनी ऊन पड़े। तो ये कविता की फर्स्ट लाइन है, इसका हमें अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ होगा, श्रावण महिन्यात सर्वत्र हिरवर दाटलेली असते शनात सरसर पाऊस येतो तर शनात ऊन पडते। आगे बढ़ते हैं, आगे कृति क्रमांक 2 है, व्याकरण घटकावर आधारित कृति। मतलब ये जो सेकंड एक्टिविटी है ये पूरी ग्रामर पे डिपेंडेंट है। तो इसमें हमें दिया गया है, पुढ़ील सामासिक शब्दांचा विग्रह करून समास ओळखा। लेफ्ट साइड में कॉलम है जहाँ पे लिखा है सामासिक शब्द, बीच में विग्रह और समासाचे नाव हमें लिखना है। और सामासिक शब्द पहला है महादेव, तो इसमें विग्रह आएगा महान असा देव, और समासाचे नाव आएगा कर्मधार्य तत्पुरुष समास।
सेकेंड है आठौड़ा, इसका विग्रह होगा आठ दिवसांचा समूह, तथा इसका सामासिक नाम आएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, पुढील उदाहरणे हे कोणत्या रसाचे आहे ते लिहा। तो आगे जो सेंटेंस दिए गए वो कौन से रस के हैं वो हमें बताने हैं। तो इसमें अ है सहज सख्या एकदास यही सांझ वेड़ी, तो इसका आंसर होगा श्रृंगार रस। अगला है उठा राष्ट्रवीर हो सज्ज वहा उठा चला, तो इसका उत्तर होगा वीर रस। थर्ड है हे कौन बोलले बोल राजहंस माझा निजला, तो इसका आंसर होगा करुण रस। लास्ट है घनश्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला, तो इसका उत्तर भी है शांत रस। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कृति क्रमांक 3, खालील पैकी कौनती एक कृति सोड़वा, मतलब हमें नीचे दिए गए दो क्वेश्चन में से कोई भी एक सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है खालील शीर्षकावरून कथा लिहा अति शहाना त्याचा बैल रिकामा, इस टाइटल में से हमें एक स्टोरी लिखनी है, या फिर खालील विषयावर बातमी तैयार करा मतलब रिपोर्ट राइटिंग, तो इसमें जनता गर्ल्स हाईस्कूल शेंदूर जना घाट मध्ये जागतिक महिला दिन मोठे उत्सवात साजरा करण्यात आला। तो यहाँ पे कोई भी एक सॉल्व करना है आपको, तो मैं आपको फर्स्ट का आंसर बता रहा हूँ, खालील शीर्षकावरून कथा लिहा अति शहाना त्याचा बैल रिकामा। मैं स्टोरी आपको रीड करके बताता हूँ, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी मैं रीड करके बताता हूँ, एका गावात एक राजू नावाचा मुलगा रहायचा, तो फारच हुशार होता, तो रोज शाळेत जायचा, व्यवस्थित अभ्यास करायचा, सर्वांसोबत चांगला वागायचा, त्याचा गणवेश नेहमी स्वच्छ असायचा, त्याचा प्रत्येक चाचणीत प्रथम क्रमांक यायचा। एक दिवशी राजू त्याच्या घरी अभ्यास करत होता तेव्हा श्याम तेथे आला आणि म्हणाला, राजू चल आपण क्रिकेट खेळायला जाऊ। राजू म्हणाला, अरे श्याम तुला माहीत आहे ना की पुढच्या आठवड्यात गणिताची टेस्ट आहे म्हणून, मग मी त्याचाच अभ्यास करतोय, तू जा मी नाही येत। त्यावर श्याम म्हणाला, अरे राजू किती अभ्यास करशील तू, तू तर तसाच हुशार आहे, तुला काय गरज एवढा अभ्यास करायची। त्यावर राजू म्हणाला, अरे मी हुशार आहे तर मग काय झालं, अभ्यास नाही करायचा का, तू जा मी नाही येणार खेळायला। मग श्याम पुन्हा म्हणाला, राजू तुला यावंच लागेल, तू नाही येणार तर मी सुद्धा जाणार नाही। राजू म्हणाला, ठीक आहे तू जा खेळायला मी येतो थोड्याच वेळात। त्यावर श्याम म्हणाला, तू नेहमी असाच म्हणतो पण कधीच येत नाही। मग राजूने थोडा विचार केला, मी तर तसाच हुशार आहे, जाऊ दे आज खेळायला चालला जातो, अभ्यास तर उद्याही करू शकतो। मग राजू श्यामला म्हणाला, ठीक आहे चल। मग राजू आणि श्याम दोघेही खेळायला गेले, ते दोघे खूप खेळले, राजूने पण खूप मजा केली। दुसऱ्या दिवशी श्याम पुन्हा आला आणि राजूला पुन्हा आग्रह करू लागला, राजू चल खेळायला। राजू म्हणाला, कालच तर आलो होतो खेळायला। श्याम म्हणाला, अरे चल ना खेळायला, आज यशही आला आहे, चल मजा येईल, त्याने आपली नवी बॅटसुद्धा आणली आहे। राजूने विचार केला, चालला जातो खेळायला, उद्या करू अभ्यास, असा विचार करून तो पुन्हा खेळायला गेला। असे रोज होत राहिले, आता टेस्टसाठी फक्त एकच दिवस राहिला होता, राजूचा काहीच अभ्यास झाला नव्हता। त्या टेस्टमध्ये राजूला खूप कमी गुण मिळाले, तो स्वतःला हुशार समजत राहिला आणि त्यामुळे त्याने अभ्यासाकडे दुर्लक्ष केले, म्हणूनच म्हणतात अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा। तो ह्या पे आज की टेस्ट खत्म होते स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें।